गर्ल माधुरी दीक्षित का जादू बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बी टाउन से दूर होकर माधुरी को लाइमलाइट से दूर होना है। माधुरी दीक्षित आपके बीच बहुत जल्द नजर आएंगी, क्योंकि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हो चुकी है माधुरी। बिजी हो चुकी है वो शूटिंग को लेकर और स्क्रिप्ट फाइनल करने को लेकर, और इन सब के बीच हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच हमारा ये खास प्रोग्राम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की लाइफस्टाइल को लेकर। वेल, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित फिलहाल बी टाउन की एक ऐसी एक्ट्रेस बनकर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं जो कि बी टाउन में फिल्मों को लेकर तो है इंटरेस्टेड, बल्कि साथ ही साथ एक्टिंग के साथ सिंगिंग की दुनिया में भी वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं। कैंडल लाइट और साथ में उनका रीसेंट एक सॉन्ग तैयार किया गया जिसमें उनके हस्बैंड और उनके बच्चों ने फुल ऑन उनका सपोर्ट किया है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम माधव ने जिन्होंने माधुरी दीक्षित के लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी वापसी के लिए, उनकी इनकम की बढ़ोतरी के लिए लंदन छोड़ अमेरिका छोड़ वापस इंडिया में लौटने का फैसला लिया। इसके पीछे कई और कारण थे, शायद ही आपको मालूम हो, लेकिन पैसों की वजह से दोबारा माधुरी बॉलीवुड में आई, ऑफर अच्छे मिले और उन्होंने डांस के रियलिटी शो में भी बतौर जज कदम रखा और टीवी की दुनिया में आई। डांस विद माधुरी शो के साथ साथ उन्होंने यूट्यूब चैनल पर भी इस पर काम किया, और इन सब को लेकर हस्बैंड श्रीराम इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो खुद लाइमलाइट से दूर रहे हैं, लेकिन पेशे से वो एक बहुत बड़े सर्जन हैं। दर्शकों, आज आप सभी के बीच लेकर आई हूँ हमारा ये खास प्रोग्राम। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज़। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की पूरी जिंदगी कैसी है, कैसे उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया पति के आने के बाद, पति ने कैसे खुद को बदला है, ये सारी बातें जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारा ये स्पेशल रिपोर्ट, देखिए। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में काफी ज्यादा एक्टिव होने के साथ साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि अपनी फैमिली लाइफस्टाइल को लोगों के लिए एक आइडियल फैमिली के तौर पर प्रेजेंट करने के लिए तैयार है। रिसेंटली माधुरी दीक्षित ने अपने नए सॉन्ग को लेकर अपने हस्बैंड और बेटे का सपोर्ट पाने का खुशकिस्मती जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में मिला, इसके लिए वो शुक्रगुजार कहती नज़र आई अपने परिवार को। क्या आपको मालूम है माधुरी दीक्षित जो हैं इस वक्त सबसे ज़्यादा अपने ज़िंदगी में क्यों खुशहाल तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं? वह इसके पीछे का कारण ये है कि माधुरी दीक्षित के हर काम में उनकी फैमिली का सपोर्ट, उनका परिवार करता है, और यही कारण है कि माधुरी दीक्षित के परिवार में उनके पति उनके हर फैसले में उनके साथ खड़े रहते हैं, और इसलिए कभी भी उन्हें बॉलीवुड के पर्दे में काम करते हुए पर्दे पर नज़र आने के बाद शादी के सालों बाद कमबैक करने में भी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके पति ने उनके लिए हमेशा से सपोर्ट सिस्टम के तौर पर उनके साथ खड़े रहने का फैसला लिया। साल 1999 में श्रीराम माधव नेने से एक सर्जन से माधुरी दीक्षित की शादी हुई। ये सब जानते हैं कि माधुरी दीक्षित के पति लंदन में जन्म लेने के बाद इंडियन इमाइग्रेंट्स तो बने, लेकिन साल 1962 से ही वो इंडिया छोड़कर यूनाइटेड स्टेट में ही रह रहे हैं। जी हाँ, यूएस में ही वो रह रहे थे। इंडिया वापस वो माधुरी दीक्षित के लिए लौटे, जहाँ उन्होंने फिर से नए पारे से शुरुआत की करियर की। आज $35 मिलियन की संपत्ति की मालकिन है माधुरी दीक्षित, जिन्होंने अपने बलबूते पर इतनी बड़ी रकम की संपत्ति खड़ी की है, लेकिन उनके हस्बैंड ने कभी भी इंडिया नहीं बल्कि आउट ऑफ इंडिया में बेहतर पहचान बनाई। पेशे से एक सर्जन है माधुरी दीक्षित के हस्बैंड श्रीराम माधव नेने, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। पेशे से डॉक्टर होने के कारण फिल्मों की लाइमलाइट से उन्हें गहरा लगाव नहीं रहा है, कार्डियोवास्कुलर सर्जन रहे हैं वो। माधुरी दीक्षित के इस फिल्म इंडस्ट्री के फिल्मों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, जिसके कारण से माधुरी दीक्षित के हस्बैंड ने हमेशा से काम किया तो सही, लेकिन फिल्मों से हटकर
यही कारण है कि माधुरी दीक्षित के हस्बैंड को माधुरी की फिल्मों में भी खास इंटरेस्ट नहीं रहा है। 52 साल के श्रीराम माधव नेने की बात की जाए तो उस वक्त वो माधुरी दीक्षित के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश थे साल 2018 में। अब वो और बदल चुके हैं, कैलिफोर्निया में ही उनका घर है, अमेरिकन उनकी नेशनैलिटी है और विटनी हाई स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से उन्होंने कॉलेज कंप्लीट किया, एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और एफएससीएस फेलो ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन के क्वालिफिकेशन के बाद वो वहीं रहे जिनका हमेशा से फिल्मों से दूर रहना ही फैसला रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल दोस्तों, तो ये था हमारा आज का खास प्रोग्राम धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को लेकर। वेल देखा आपने किस तरह से माधुरी दीक्षित जो है कर रही हैं खुद पर काम, और हस्बैंड एक सर्जन होने के नाते एक्टिंग की दुनिया में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं माधुरी दीक्षित की साथ मिलकर उनकी सिंगिंग की दुनिया में एंट्री को लेकर। बच्चे भी फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ माधुरी के प्रॉपर्टीज नेटवर्थ में काफी बढ़ोतरी भी हो रही है। तो ये था हमारा शो आज का धक धक गर्ल को लेकर। यहीं अब आपसे विदा लेंगे, ऐसी ही बी टाउन की तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।